इधर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने लंबे समय से सील करने की कार्रवाई कर रही थी। लंबे समय से वृंदावन में मंदाकिनी एवं कदम रिसोर्ट होटल के रूप में संचालित चल रहा था और शुभम चौधरी रफ्तार मीडिया के संवाददाता ने होटल रिजोर्ट पर खबर दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी और वृंदावन विकास प्राधिकरण ने कदम रिसोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की। मथुरा के उपाध्याय नगेंद्र प्रताप के निर्देश दिए कि जिन होटल रिसोर्ट पर जल्दी कार्रवाई की जाए और मथुरा अनधिकृत रूप से विकसित अवैध रिसोर्ट को प्राधिकरण ने सील और की है और उसको कार्रवाई की है। राजेश कुमार सचिव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन पर बड़ी कार्रवाई की गई। रेजिडेंसी बिल्डिंग में अवैध रूप से होटल संचालित था। इस समय मौजूद है मथुरा मंदाकिनी एवं कदम रिसोर्ट पर। हम आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन प्राधिकरण ने आज बड़ी कार्रवाई की है, जो कि उत्तर प्रदेश के शासन आदेश अनुसार मथुरा के मंडल आयुक्त रितु मांसुरी का एक आदेश जारी हुआ था कि जो अवैध गेस्ट हाउस होटल है उनको लेकर संचालित चल रहे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई की है। मथुरा के राजेश कुमार जो सचिव हैं, उन्होंने आज द्वारा निर्देश दिया गया कि अपर अभियंता अनिल सिंगल, अनिल राजौरिया, अशोक चौधरी और एसडी पालीवाल और केशवधाम चौकी पुलिस बल के साथ आज कदम रिसोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जो कि वहां पर एक सील और सीज करने का कार्रवाई की गई है। जहां काफ़ी दिन से ये कदम रिसोर्ट रेजिडेंसी में संचालित था, बिल्डिंग थी, लेकिन इसको होटल में संचालित के रूप में चलाया जा रहा था, जिससे कि अनऑथराइज और राजस्व की और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही थी। लेकिन आज मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है, सील किया है कदम रिसोर्ट, जो कि बड़े स्तर पर संचालित था और होटल के रूप में संचालित था। आप देख रहे हैं मथुरा वृंदावन पर रफ्तार मीडिया के प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद, ये खबर चलने के बाद मथुरा के अधिकारियों द्वारा इस खबर का संज्ञान लिया गया और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा होटल संचालित जो अवैध होटल हैं उनमें संचालित है उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मथुरा से अपने सहयोगी राहुल के साथ शुभम चौधरी।